अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना अपना फैज़ान लुटा रहा है, आप भी इस महीने का फैज़ान लूट लीजिए। ये महीना बहुत ही ज़्यादा रहमत वाला, बरकत वाला, फजीलतों वाला महीना होता है। इस महीने की हर घड़ी रहमत से भरी होती है, तो आप इस महीने को ऐसे ही ज़ाया मत होने दीजिए, बल्कि हर मिनट हर वक्त इस महीने का फैज़ान बरकत रहमत लूटते रहिए। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास अल्लाह तबारक व ताला के नाम का वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप इस वजीफे को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप अपनी हाजतों को लेकर के परेशान रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं कि कैसे भी करके बस मेरी फला हाजत पूरी हो जाए, लेकिन आपकी हाजत है कि पूरी ही नहीं होती है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है, तो इससे आपकी तमाम मुश्किलात से नजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको जो वजीफ़ा बताएंगे और जिस तरह से इसको करने का तरीका बताएंगे, आप इस वजीफे को इसी तरह से करिएगा, फिर इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखना। अब आपकी चाहे एक हाजत होगी, दस हाजत होगी या हज़ार हाजतें ही क्यों ना होंगी, इस वजीफे को करने से आपकी तमाम हाजतें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी, आपकी कोई भी हाजत बाकी ना रहेगी। अब चाहे आपकी हाजत मालो दौलत को पाने के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की शादी के लिए है, नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए है, कर्ज की अदायगी के लिए है, औलाद के लिए है, औलाद में बेटा या बेटी को पाने के लिए है, आपकी कोई भी कैसी भी हाजत होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ चंद हाजतों का नाम इसलिए ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब एक एक हाजत का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपकी जो भी हाजत है आप अपनी तमाम हाजतों के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को सवाब की नियत से एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, तो फौरन जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस रमज़ान के पूरे महीने पर हम आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन वजीफे लाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस वजीफे को आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, इस वजीफे को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, यानी कि इस माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में किसी भी एक दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, और किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप सहरी के वक्त में करें या इफ्तारी के वक्त में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफे को आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ तक के अपने बिस्तर में लेट करके कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं, कैसे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी दलील आपको बारे शरीयत किताब में मिल जाएगी। तो इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें, आपको दो बातों का खास ख्याल रखना होगा।
पहली बात के आपको वजीफे को मन में हरगिज नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको इतनी आवाज में जरूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके, मन में आपको वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, आपको वजीफा पढ़ने के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी भी तरह की किसी से आपको कोई गुफ्तगू नहीं करनी। तो इन दोनों बातों का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, वजीफा पढ़ने से पहले आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरी फला 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 हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपकी जो भी जितनी भी हाजत है, इस तरह से आप सोच लीजिए। सोचने के बाद में आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है, आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 6 बार पढ़ें, 6 times। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या कुद्दूसु, या मालिकल मुल्की। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या कुद्दूसु, या मालिकल मुल्की। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको सिर्फ 6 बार पढ़ लेना है। 6 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इस तरह से पढ़ें, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या कुद्दूसु, या मालिकल मुल्की। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या कुद्दूसु, या मालिकल मुल्की। प्यारे दोस्तों, ये हमने सिर्फ 2 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 6 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद आप हाथ उठा करके दुआ मांगें, आप रो करके दुआ मांगें, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगें, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बना करके दुआ मांगें। आपने अपनी जितनी हाजतों को पूरा होने की नियत की थी, बिलखुसूस आप अपनी तमाम हाजतों की दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद में आपको फिर से आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। किसी भी एक दिन, किसी भी वक्त में, ये एक दिन का वजीफा है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें एक एक करके पूरी हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिस शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है, अल्लाह ताला उनके दिलों में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए।
कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और अगर आपको हमसे बात करनी है कोई सवाल पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाएं हमें फॉलो करें और वहां पर कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और प्यारे दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में बाबाओं के फर्जी नंबर दिए होते हैं आप इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें क्योंकि ये फर्जी बाबा होते हैं, ये सिर्फ आपसे पैसा वसूलने का काम करते हैं और रसूल की बातें कभी भी किसी का भी कोई काम करने के लिए कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो इन बात का आप ख्याल रखें, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।